नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 26 जनवरी 2022 की सबसे पहले ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, शुक्र और मंगल धनु राशि में, सूर्य बुध शनि मकर राशि में और गुरु कुंभ राशि में गोचर में चल रहे हैं। बुध और शुक्र अभी भी वक्री बने हुए हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति अभी मध्यम चल रही है। आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग भारत की एकता और अखंडता में, हम सब लोग भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा कार्य करें और एक अच्छे नागरिक बने, देश को बहुत आगे लेकर के जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, एक अच्छे समय में आप चल रहे हैं, जहां पे स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, प्रेम और व्यापार का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, संतान का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, अच्छी स्थिति इसको कही जाएगी। जीवन साथी के साथ जो मनमुटाव था वो भी अच्छी स्थिति में आगे, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े छुट्टी सा महसूस कर रहे हैं, रंगीन बने हुए हैं, अपने पारिवारिक जीवन में बड़ी अच्छी स्थिति से आप चल रहे हैं। सुखद समय काली जी को प्रणाम करते रहे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य ध्यान देने की अभी भी आवश्यकता है, बस चंद दिनों की बात है। बच्चों के सेहत पर भी ध्यान दें। हालांकि कुछ बड़ी स्थिति खराब नहीं है, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, बाकी एक मध्यम समय थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, भावुकता में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा, विद्यार्थियों के लिए सही समय रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, बच्चों के सेहत पर भी ध्यान दीजिए, व्यवसाय आपका सही चलता रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहे। कर्क राशि, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी, फिर भी घरेलू सुख बाधित रहेगा, थोड़ा कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा दिख रहा है, प्रेम और व्यापार सही दिख रहा है, लेकिन तू तू मैं हो सकता है। बजरंग बली को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी ये समय अच्छा कहा जाएगा और व्यवसायिक उत्थान का समय है, कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है, प्रेम और व्यापार का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, प्रेम और व्यापार की स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, अभी पूंजी का निवेश ना करें, फंड में बढ़ोतरी होगी उसको अभी बचा के रखें। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है, लेकिन प्रेम और व्यवसाय और व्यापार का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, बिल्कुल सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपका समाज में कद बढ़ रहा है, सराहे जा रहे हैं। बस सब अच्छा है, फिर भी स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। काली जी को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, मन थोड़ा दबाव में रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम व्यापार भी अच्छा है, फिर भी मानसिक दबाव बना रहेगा, पीली वस्तु पास रखें। धनुराशि, धनुराशि की स्थिति अच्छी है, आर्थिक मामले सुलझेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम व्यापार का पूरा पूरा साथ। बजरंग बली को प्रणाम करते रहे। मकर राशि, व्यावसायिक मामले सुलझने लगे हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे, स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मन थोड़ा परेशान है, व्यापार की स्थिति पहले से बेहतर है, संतान भी अभी मध्यम चल रहा है, काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, भाग्य बस कुछ काम बनेंगे, यात्रा में लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम और व्यापार का साथ रहेगा, लेकिन बच्चों के सेहत पर भी ध्यान दें। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, एक दिन और जोखिम भरा है, थोड़ा बच के पार करें, कोई रिस्क ना लें, वाहन चलाते समय सावधानी भी बरतें, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापार करीब करीब ठीक है, काली जी को प्रणाम करते रहे। नमस्कार।